पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बागेश्वर जिले के गरुड़ में कोविड टीके को लेकर युवा उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजकीय इंटर कॉलेज में 18 से 44 साल तक के युवाओं के लिए कोविड वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। वहीं बीते दिन 219 युवाओं को कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। इस दौरान टीका लगवाने वाले लोगों ने वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी बताया। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से वैक्सीनेशन केंद्र में रजिस्ट्रेशन के कामों में भी मदद की जा रही है। कॉलेज गरुड़ में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, जिसमें 18 से 44 वर्ष के युवाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार यहां पर वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। युवाओं को अधिक से अधिक वैक्सीन लगाई जा रही है और युवा काफी अधिक मात्रा में उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर रजिस्ट्रेशन व सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रशासन से हम अपील करते हैं कि जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, तो प्रशासन के हर संभव मदद के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता समर्थन करेंगे और पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेंगे। बागेश्वर में बागनाथ वार्ड के सभासद धीरेंद्र परिहर ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। दरअसल उन्होंने अपने निजी आवास में सेवा केंद्र की शुरुआत की है, जिसके जरिए वार्ड में बाहरी जिले से आने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि बाहरी जिले से आने वाले लोगों को इस वार्ड में 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन और सप्ताह के लिए दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किए जाने की बात कही है। देखिए, विश्व में सबसे भयंकर जो महामारी अभी चल रही है कोरोना, अपने भारतवर्ष में पिछले वर्ष से ही काफी वृहत तौर पर अपने पैर पसार चुकी है। लेकिन मैं लोकल तौर पर नगर पालिका के बागनाथ वार्ड का सभासद होने के नाते, क्योंकि इस बार प्रशासन से हमें कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है कि जो बाहर से पहले से लोग आते थे पिछले वर्ष, तो उनकी जानकारियां हमें मिलती थी, लेकिन इस वर्ष ऐसी व्यवस्था बन नहीं पाई है और मुझे विश्वास है कि जल्दी ऐसी व्यवस्था बनेगी। लेकिन प्रशासनिक जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी इसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आने के बाद अपने घर में आइसोलेट होने के बजाय या क्वारंटीन होने के बजाय बाजारों में घूम रहे हैं। तो ऐसी दिक्कत को देखते हुए मेरे द्वारा अपने वार्ड क्षेत्र के लिए एक नियमों की एक गाइडलाइन, जो लोगों के लिए एक सहयोग के लिए मेरी उनसे अपील की गई है, उसमें मैंने लोगों से अपील की है कि अगर आपके वहाँ कोई प्रवासी आया हुआ है तो आप उसकी सूचना हमें दें या वो प्रवासी स्वयं दे दें और अपने घर में 7 दिन के लिए क्वारंटीन रहे। विगत 7 दिनों से पूर्व से जो आया हुआ है आज से व्यवस्था की है। इसके लिए मैंने आज एक सेवा केंद्र खोला है, जिसके अंतर्गत बागनाथ वार्ड के क्षेत्र के अंदर एक सौदा केंद्र भी आता है। सौदा केंद्र में कई प्रकार के शव ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिनको लॉकडाउन के दौरान भोजन की समस्या आदि समस्याएं होती हैं। यदि उनको किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे सहायता केंद्र के जो नंबर जारी किए गए हैं उसमें हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। बागेश्वर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे लोगों की मदद की जा रही है। इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटरों में संगठन की ओर से कार्यकर्ता तैनात किए गए। वहीं वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे युवाओं को रजिस्ट्रेशन और सरकार की गाइडलाइन की जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही संगठन के कुमाऊं संयोजक भूपेंद्र दानू ने युवाओं से जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। सभी को पता है कि कोरोना जैसे महामारी पूरे देश में फैल चुकी है और हमारा विद्यार्थी परिषद जो संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, वो पूरे देश भर में अपनी सेवा दे रहा है। इसी कोरोना काल के सेवा कार्य के निमित्त विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे बागेश्वर जिले में जहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं, अभी फिलहाल 4 सेंटर हैं जो 18 से 45 के बीच वालों की जो वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें हमारे कार्यकर्ता हर जगह 5-5 कार्यकर्ता हमने लगा रखे हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन का और यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं और सैनिटाइजर करवा रहे हैं और व्यवस्थित रूप से यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की हेल्प करने में मदद कर रहे हैं। बागेश्वर जिले में 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं वैक्सीनेशन में जिले के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम की ओर से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाने की बात कही गई। साथ ही टीकाकरण कराने आए युवाओं ने सभी नियमों का पालन कराते हुए वैक्सीनेशन कराने की बात कही है। युवाओं के लिए मेरा मैसेज तो यह है कि जो जल्द से जल्द जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने नजदीकी जो टीकाकरण उनका केंद्र है वैक्सीनेशन सेंटर, वहाँ को जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं और अपना टीकाकरण करें,
मैं आपके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों को, देश के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और राज्य सरकार में और स्वास्थ्य विभाग में और जो पुलिस कर्मी यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर जिले में कोविड कर्फ्यू के दौरान पुलिस विभाग की टीम कड़ी निगरानी रखते हुए नजर आई। इस दौरान विभाग की ओर से हर तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई भी की गई। वहीं इस दौरान पुलिस ने लोगों को जरूरी काम से ही बाहर निकलने की हिदायत दी। इस दौरान सीओ विपिन चंद ने बताया कि लोगों की ओर से काफी हद तक कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है, साथ ही उन्होंने लोगों से आगे भी इसी तरीके से सहयोग की उम्मीद जताई है। वर्तमान में कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण नई गाइडलाइन जारी हुई है। आज से कर्फ्यू लगा है दिनकालीन, जो 6 बजे से 10 बजे तक फल सब्जी और आवश्यक सेवा दूध जिले खुला गया है। इसके बाद लगातार सभी दुकानें और किसान को पहुँच किए गए हैं, जिनको पालन कराने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो उनका पालन नहीं कर रहे का सपोर्ट मिल रहा है, जो आवश्यक कार्य के लिए आ रहे हैं, जो बैंक आ रहे हैं या इंजेक्शन लगाने या प्रतिवेदन के लिए आ रहे हैं, तो उनकी चीज नहीं है। उसका हम देख रहे हैं, मैसेज देख रहे हैं कि उसको प्रतिवेदन के लिए जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्लियर कर दीजिए। जो घूम रहे हैं उनको हम चालान कर रहे हैं और उनको दायित्व दे रहे हैं कि यदि वो दोबारा दिखाई देते तो अगला मुकदमा भी कुछ भी की जा सकता है। तो बहाने भी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि दवाई लेने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि दवाई के लिए जा रहे हैं, कोई पर्चा उनके पास है तो वो बताएं, यदि किसी बात दवाई है तो सरकार के लोगों से हम अपील करेंगे कि आप कोविड के नियमों का पालन करें और जो शासन द्वारा या सरकार द्वारा व्यक्ति का लगाया गया है उसका पालन करें, ये मुझे न घूमें और जिससे कि हम कोरोना के संक्रमण को रोक सकने में। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।